मैं इस वक्त मौजूद हूँ माफी फाउंडेशन के ज़ेर इहतमाम मेडिकल कैंप अब्दुल्ला हॉस्पिटल स्कर्दू में। मेरे साथ डॉक्टर नसरुल्ला साहब मौजूद हैं, माहिर है दिमाग का एहसाब और पट्टा यानी न्यूरोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं और आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर आप तकरीबन 2-3 सालों से यहाँ इधर स्कर्दू में आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताएंगे 10 साल से अच्छा माशाल्लाह, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने यहाँ के कौन से इमराज को ज्यादा देखा जो ज्यादा यहाँ के लोगों में पाए जाते हैं? जी एक तो छोटे बच्चों में है ज़हनी पसमानगी जो है, दिमाग छोटा रह जाता है और बच्चे सुस्त होते हैं, देर से चलते हैं, देर से बच्चों में बहुत ज़्यादा, और बड़ों में फालिज और मिर्गी। इसके अलावा जोड़ों की बीमारी तो बहुत ही ज़्यादा है, घुटने के जोड़, कमर दर्द, कोई भी घुटने रह जाते हैं, जोड़ों की बीमारी, शियाटिका जिसको कहते हैं, अल्कोल निसा उर्दू में, कमर से दर्द शुरू होकर नीचे टांग में जाता है, ये 4-5 बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। सर मिर्गी और फाल से रिलेटेड मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहले ये बताइए मिर्गी क्या है? जिस तरह एक कंप्यूटर बिजली के ऊपर चलता है ना, सारे कंप्यूटर के काम सारे इलेक्ट्रिक करंट पे होते हैं, इसी तरह दिमाग के सारे काम, सोचना, चलना, बैठना, उठना, हरकत करना, सारी चीजें हर किसी करंट होती है उसके ऊपर चलते हैं। दिमाग का जो करंट बनाने वाला सिस्टम है वो आप ऐसे समझिए कि शॉर्ट सर्किट हो जाए और बेतरतीब सी करंट की ऐसे झटके से लगते हैं तो उससे जिस्म में झटके लगते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। तो सर क्या मिर्गी का दौरा घुमावत झटकों का नाम है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर केंजिन को झटके आते हैं उन्हें लगता है कि इसको मिर्गी हो गई है? ऐसे ही है, मिर्गी की ज्यादातर बीमारी तो ऐसी है कि उसमें मरीज को बेहोश हो जाएगा और झटके लगेंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 मिनट की, ज्यादा नहीं होती। लेकिन कुछ और किस्में भी हैं, कुछ ऐसी किस्में जिसमें सिर्फ ऐसे झटका लगे ऐसे करके लेकिन मरीज बेहोश भी नहीं होता, गिरता भी नहीं, हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हो तो गिरा देगा, और आमतौर पर सुबह जब उठता है झटके लगते हैं। और बच्चों में एक और किस्म ज़्यादा है जिसमें बच्चा गिरता नहीं है, बेहोश नहीं होता, लेकिन गुम सुम सा हो जाता है, उससे बात करेंगे तो आगे से जवाब नहीं देगा, छोटा सा मतलब 20 सेकेंड के मुँह में उसे जा ऐसे ऐसे करता रहे या ऐसे करता रहे, उसको होश नहीं होती है, उस वक्त अगर आप उससे बात करेंगे तो आगे से जवाब नहीं देगा, वो 15-20 सेकेंड। ये बच्चों में ये किस्म है, इसको हम कह रहे हैं उर्दू में कह रहे हैं गुम सुम दौरा, थोड़ी देर के लिए बच्चा गुम सुम हो जाता है। बड़ों में भी हो जाती है, बड़ों में अगर ये हो तो ज़रा लंबी होती है, 1-2 मिनट की चलती है, उस अरसे में उसको होश नहीं होती है, वो आपसे बात कर जवाब से नहीं देगा या जवाब देगा तो उल्टा जवाब देगा और 2 मिनट के बाद ठीक हो जाता है। यानी बेसिक जो इलामतें मिर्गी की होती है मुख्तलिफ है, एक तो जो ज़रा लोग सारे लोग पहचानते हैं वो तो है कि गिर जाते हैं और झटके लगते हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन बाकी के एग्जाम लोगों को पता नहीं होता और उसका इलाज भी नहीं होता। एक सिर्फ झटका लगना है जिसमें गिरता नहीं है मरीज, लेकिन चीज़ें आँखों को भी गिरा लेता है, और बच्चों में थोड़ा देर के लिए बच्चा गुमसुम हो जाता है, उसको होश नहीं रहती है, गिरती लेकिन वो गिरता नहीं है, और बड़ों में भी ये बात आ जाएगी। बच्चों के मुँह से जाग भी निकल रही होती है, झाग लगना जरूरी नहीं है, वो जो बड़ा दौरा है जिसमें झटके लगते हैं उसमें मुंह से झाग भी निकलती है और बाद पेशाब भी खपा होता है छोटा या बड़ा, लेकिन वो जरूरी नहीं है, बाद निकलती भी है। मिर्गी का इलाज कैसे किया जा सकता है? मिर्गी का बड़ा अच्छा इलाज है लेकिन इलाज लंबा है, और यहाँ जो मैंने मसला देखा है कि सारे लोग दवाई थोड़ी खाते हैं, आप पता नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसे का मसला है या डॉक्टर सब जाते नहीं हैं या उनको खुद समझ नहीं आती है, तो दवाई खा रहे होते हैं और दवाई अक्सर ठीक खा रहे होते हैं लेकिन मिकदार थोड़ी खाते हैं, इसलिए उनकी बीमारी ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि दवाई पूरी खाएं, मिकदार पूरी करें, अगर आपको दवाई पसंद नहीं है, दवाई वाफुक नहीं है या दवाई महंगी लगती है, डॉक्टर के पास जाए उसको कहें दवाई सस्ती करें क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन दवाई आपको पूरी खानी चाहिए। और दूसरा ये है कि इलाज लंबा है, अगर 3 साल तक कोई दवा ना पड़े फिर दवाई बंद होती है। मैंने ये नहीं कहा कि दवाई 3 साल खानी, मैंने ये कहा कि 3 साल का वक्फा आना चाहिए, या अगर बीमारी पुरानी हो जाए, कई लोग 10-15 साल पुरानी बीमारी है तो उनको 5 साल का वक्फा चाहिए, अगर 5 साल तक कोई दौरा ना पड़े तो फिर आपकी दवाई काम होगी। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि जरा उसको 1-1.5 साल आराम आ जाता है, दौरा नहीं पड़ता तो दवाई काम कर लेता है या बंद कर देता है, तो उसको फिर दौरा पड़ जाता है, जब दोबारा दौरा पड़ जाता है तो पिछड़ा इलाज ज़्यादा हो जाता है। तो दवाई पूरी खानी है, दवाई को कम नहीं करना, दवाई को बंद नहीं करना, और कम से कम 3 साल या 5 साल का वक्फा चाहिए, फिर जाके मरीज ठीक हो जाए। तो
घर के माहौल से नहीं है, लेकिन जेन की कोई पुरानी चोट लगी है उसका असर है। एक्सीडेंट हुआ है, गिर गया बच्चे, यहाँ गिरते काफी ज्यादा, दरख्त पे चढ़ा गिर गया, या पैदाइश के ऊपर तमाम के ऊपर भी उसको चोट लगी है, तो उसका असर है, लेकिन घर के माहौल के ऊपर कोई असर नहीं। तो सर एक तो ये मेडिसिन ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा हम अपने बिहेवियर के साथ उस मरीज को कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं ठीक कर सकते। आप उसको ये है कि उसको हौसला और एतमाद दें उसको बुरा, क्योंकि बेटी के लोग बुरा समझते हैं, बच्चियाँ उनकी शादी नहीं होती, आने के साल में दो दौरे पढ़ने में कोई मसला नहीं, तो बच्चे को और या बच्ची है तो उसको हौसला दें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसको पढ़ाई उसको रोके नहीं, पढ़ने में, लिखने में, काम काज करने में, शादी ब्याह में, बच्चे पैदा करने में कोई मसला नहीं है, और ये बच्चियाँ बिल्कुल ठीक होती हैं, बच्चे भी बिल्कुल ठीक होते हैं, क्या साल में दो दौरे पढ़ जाते हैं, कोई दवाई खाएँ और अपने सारे काम करें, सिर्फ हम ड्राइविंग मना करते हैं, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान अगर उसको दौरा पड़ा तो टक्कर मार दें, वो ड्राइविंग के अलावा सारी दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। तो यानी प्रॉपर्ली अगर इसका इलाज करें तो कितने अरसे में एक मिर्गी का मरीज ठीक हो जाता है? कहा ना 5 साल तक अगर या 4 साल तक, या अगर थोड़ी बीमारी है तो 3 साल तक कोई दौरा ना पड़े तो सारे मरीज तो ठीक नहीं होते, लेकिन 70 से 80% मरीज ठीक हो जाते हैं, उनकी दवाई बंद हो जाती है, 30% मरीज ऐसे हैं जिनको सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, दवाई बंद, जब भी दवाई बंद करें तो दौरा। सर अब मैं फालिज की तरफ आती हूँ, फालिज क्या है और इसकी वजूहत क्या है? फालिज की वजूहत ये है कि दिमाग का एक हिस्सा जो है नकार हो जाता है, खराब हो जाता है दिमाग का एक हिस्सा, और ज़्यादातर होता है दिमाग की खून की नाली बंद हो जाती है, जब खून की नाली बंद हो जाती है तो वो हिस्सा दिमाग का टेंट हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट होने से भी, दिमाग की चोट लग जाने से भी ये फालिज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मरीज वो है जिनकी दिमाग की खून की नाली या बंद होती है या फट जाती है, और वजह इसकी 4 वजूहत है फालिज की। नंबर 1 ब्लड प्रेशर, नंबर 2 शुगर, नंबर 3 खून की चर्बी कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, और नंबर 4 सिगरेट। तो ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे फालिज हो जाता है। अगर इनमें से 2 चीज़ें हैं, मतलब सिगरेट भी पीता है, शुगर भी है, या ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, तो उसको लाजमी फालिज होगा। अगर एहतियात कर ले तो बच जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग परवाह नहीं करते, छोटा अटैक है वो मालिक बनते हैं, कैसे मैं ठीक हूँ, दवाई नहीं खाता। इस हमले को कैसे रोका जा सकता है? ये रोका तो जा सकता है, लेकिन एक दफा फालिज हो जाए तो वो उसको ठीक करना, बड़ा हमला हो जाए तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल। ज़्यादातर मरीज मेरे पास आते हैं जिनको 2 साल 4 साल 5 साल पहले फालिज हुए, पुराने फालिज का कोई इलाज नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ पुराने फालिज का कोई इलाज नहीं है, फालिज की बीमारी का इलाज पहले 3 महीने में होता है, 3 महीने के बाद दवाई का असर नहीं है, अलबत्त वर्जिश करने से बेहतरी आती है, उठे बैठे चले फिरे। ये भी याद रखें कि फालिज एक वाहिद ऐसी बीमारी है जिसमें आराम नहीं है, आराम करने वाला मरीज ठीक नहीं होता, उसको पहले दिन दूसरे दिन से उसकी वर्जिश कराएं, उठाएं उठाएं चलाएं फिराएं उसको, अगर चल सकता है तो चलाएं, नहीं पकड़ के चलाएं, और हाथों पाँव की वर्जिश कराएं, तो उससे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। तो सर कौन कौन सी गजाएं ऐसी हैं जो फालिज के अटैक को या इसके खतरे को कम कर देती हैं? गजाएं का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप उसका ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, अगर शुगर है तो उसको ठीक रखना है, उसका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करके देखते हैं, अगर खून की चर्बी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसकी दवाई देते हैं, और अगर वो सिगरेट खा रहा है, सिगरेट पीता है तो सिगरेट पड़ता है, बाकी खाने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सर अक्सर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद उनको फालिज का अटैक होता है, तो क्या गुस्से का भी ताल्लुक है फालिज के साथ? गुस्से का ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो खून की नाली उसे तक पड़ जाए, लेकिन वो ऐसी खाने वाली है, ऐसे होता नहीं है, तो इसकी वजह क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? शाटिका का मतलब यह है कि कमर की यानी नीचे मोरे चढ़ कमर के, यहाँ से नसें निकल के जाती है नीचे टांग, 5 इधर जाती है 5 इधर जाती है,
तो या एक अंग मोरा या मोरे की जरेवान डिस्क होती है वो हिल जाती है, तो वहाँ से जो नस के नीचे टांग बढ़ जाती है वो फंस जाती है, तो दर्द कमर के साथ साथ टांग तक बढ़ जाता है, नीचे पाँव तक बढ़ जाता है। तो वजह उसकी यही है कि या उनका कमर का मोरा हिल गया है और या उनकी जो है वो मोरे के दरमियान जो डिस्क पड़ी होती है वो हिल गई है और वो नस फंस गई। वजह इसकी यही है कि वजन उठाना चुप के काम करना, और ज्यादातर जो लोग वजन उठाते हैं या वजन उठाना है फिर पार्किंग पर चढ़ेंगे बार बार तो झुकना पड़ता है, फिर खेतों में काम करने से भी झुक के काम करना पड़ता है, तो ये वजन उठाना झुक के काम करना और पहाड़ों के ऊपर चढ़ना उसी प्रॉब्लम में आता है, यहाँ लोगों से ये काम करना उनका रोजगार ही है। सर क्या करें कि इससे हम कम हो, अगर ये मतलब होना तो है ज्यादातर लोगों को यहाँ पर, ज्यादातर यही है कि वजन तो वैसे मैंने देखा कि लोग बड़ा ठीक उठाते हैं, लोगों ने टोपी पीछे रखी होती है, बिल्कुल सही तरीका वजन उठाने उधर इनको सिखा दिया है कि बड़ों को इनको सिखा दिया कि पीछे वजन रखे, पहाड़ पे चढ़ना हो तो पीछे वजन रखे, ये बिल्कुल सही तरीका है। तो उसमें ये है कि आमतौर पर वजन जब उठा के चलते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, नीचे झुक के जब वजन उठाते हैं ना उस समय मसला, तो वो जब नीचे से वजन उठा रहा है तो किसी और को कहेंगे मिल के उठा, दो आदमी मिल के उठा ले फिर एकदम पीछे कमर में रख ले तो फिर जल पड़े फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन नीचे से वजन उठाना वो हो सकता है। ऐसे मरीजों को ध्यान चाहिए कि एक तो एक दोनों हाथों में वजन उठाए और दूसरा ये कि नीचे से जब उठा रहे तो किसी को कहें आप मेरी मदद कर, दो आदमी मिल के उठा ले, एकदम उठा के खड़ा हो जाएगा और फिर चल पड़ेगा तो फिर मसला नहीं होगा। ऑपरेशन उस हालत में करते हैं जब वो डिस्क इतनी ज्यादा हिल गई है कि वो डैमेज कर रही है, नुकसान कर रही है, नस को नुकसान कर रही है, लेकिन वो कम जरूरत पड़ती है, अक्सर लोगों को एहतियात और परहेज करनी पड़ती है। एहतियात क्या है कि वजन नहीं उठाना, नीचे झुक के काम नहीं करना और बैठना बिल्कुल सीधा है, ठीक है, नमाज कुर्सी पे पढ़े जब तक बीमार है, सजदा रुकू नहीं करना, और अगर पेशाब को खाने के लिए कमोड लगवा रहे तो ये बेहतर है। तो ये चीज़ें एकदम बीमारी हो जाए तो ये एहतियात है कि वजन नहीं उठाना, अगर उठाना भी है तो दोनों हाथों में उठाना है और किसी के साथ हेल्प ले के उसको उठवा के फिर कमर पर रखना, पीछे की तरफ रख वजन रखना ठीक है अच्छी बात है, जैसे पीछे लड़की ने टोपी लगाई बिल्कुल सही है, और बैठना सीधा है, नीचे जो झुक के काम करते हैं जैसे खेतों में पानी लगाने का काम, बर्दों का काम भी है पानी लगाने का, औरतें भी नीचे है, नीचे झुक के काम करना उसको आपको मर्दों में ही ज्यादा है लेकिन औरतों में भी है। अच्छा मर्दों में ही ज्यादा है। सर एक और चीज यहाँ के लोगों की, क्योंकि मेरी पर्सनली ऑब्जर्वेशन है, ये जब इनको इशू होता है, मेरे फादर को भी हुआ था, तो ऑपरेशन में बहुत डरते हैं लोग, कहते हैं अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं तो फिर बाद में आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे जो ऑपरेशन से डरना ही चाहिए, हम खुद भी डरते हैं और हम भी ऑपरेशन के मरीज को नहीं भेजते हैं, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि अंदर बहुत नुकसान हो रहा है तो फिर आप कह देते हैं ऑपरेशन करवा लो। तो कितना मतलब कामयाब होता है अगर कोई इसका ऑपरेशन से, देखिए एक बड़ी वजह ये है कि ऑपरेशन लोग बहुत लेट कर देते हैं, जब कराना है तो फिर जल्दी करा, अक्सर मरीज नहीं कराते डेढ़ दो साल तक जब जो नुकसान है वो पक्का हो जाता है फिर ऑपरेशन कराते हैं फायदा नहीं। अगर ऑपरेशन सही टाइम पे कराए तो 80% ठीक हो। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने वक्त का बहुत है डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे यहाँ के लोगों के लिए जो बीमारियाँ हैं उनके ऊपर तबसरे किए और उनका इलाज बताया। सर बेटा ये काम आपने मेरा आसान कर दिया है क्योंकि मैं हर मरीज को ये बात समझाने में इतना टाइम नहीं होता, ये जो चीज़ें आपने कही हैं उनके मरीजों के भी फायदे हैं, लेकिन मरीजों से ज़्यादा मेरा फायदा है कि मुझे बार बार ये चीज़ें मरीज को नहीं कहनी पड़ेगी, वो खुद ही सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।